हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं है, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। सबसे पहले MS बिट्टा साहब, प्रधानमंत्री का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, यानी कि यहां पर कोई भी इफ एंड बट नहीं है। बोल दिया है, अब आपको जो करना है करें, हमारी सेना के पीछे हम खड़े हैं और सेना के हाथ नहीं बंधे हैं। आपका क्या कहना है बिट्टा साहब? काफी डिबेटों पे सरदार गुरमीत सिंह जी हमारे फौज के बहादुर जर्नैल रहे। हम बड़े हर चैनल पे पड़े पाकिस्तान के खिलाफ हमारे अलग विचार थे, चाइना के ऊपर हम बड़े सेंसिटिव और सीरियस होके बात करते रहे। हमने कभी कोई जोश से बात नहीं की जिसमें कोई हालात और खराब हो, पर आज हमें आपके चैनल के द्वारा PM का संदेश मिल गया। अब हमें भी खुली छूट है बोलने की, हमें आपके चैनल से पहले बोलने की छूट नहीं थी। छूट का मतलब नहीं कि हम किसी का गुलाम है, पर हम हर मर्यादा को रखना जानते हैं। ये सरदार गुरमीत सिंह जी और हम सब चैनलों में करते रहे। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा आपको, बंदूकों के बगैर अगर उन्होंने हमला किया तो हमारे जवानों ने यह कह के हमला किया, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवा में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है और ठोक के मारा उनको। हमारे जवान तो शहीद हुए, धोखे से शहीद हुए। अगर हमारे जवानों को यह पता चल जाता कि पाक ये चाइना दोरी चाल चल रहा है, एक तरफ समझौता, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ पीठ पे छुरा मारने का काम करता है, तो हमारा एक भी जवान शहीद ना होता। चाइना ने हमारी पीठ पे छुरा मारा है। और आज जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आपको आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इलेक्शनों में कोई ऐसी बातें कही थी, हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर हमें किसी ने छेड़ा तो हम उसको छोड़ते नहीं। तो आज उन्होंने संदेश दे दिया कि देश की एकता और अखंडता, देश की मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा, आधा इंच भी हिस्सा जमीन का, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो, हम जाने नहीं देंगे। ये उस प्रधानमंत्री ने बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने जब 40 जवान शहीद हुए थे तो पाकिस्तान में घुस करके बालाकोट के अंदर 15 मिनट में हमारे जवानों ने शहादतें तो नहीं दी, जिंदा शहीद की तरह गए थे, पर वहां 500 के करीब आतंकवादियों को ठोक के आए थे। ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं बीजेपी पे, हमारा कोई लेना देना नहीं, पर जो राष्ट्र के लिए जो संदेश देते हैं, जो वादा करते हैं, उसको वो ये पूरा करते हैं। और मैं ये कहूं, आज के दिन चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो NCC हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारी हिंदुस्तान की फोर्स को आज से उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करनी चाहिए, मैं भी उसमें शामिल हूंगा। बिट्टा साहब, आप अभी बोल रहे हैं, बिट्टा साहब आप अभी बोल रहे हैं, बिट्टा साहब मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। चाइना किस तरीके से वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, मैं सीधे लेके चलूंगा हमारे सहयोगियों के पास। बिट्टा साहब, पाकिस्तान में चाबी भरी, कहा 1962 में कि कश्मीर का ताज हम तुम्हें देंगे, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने रोका। 2020 में भी वही चाल, आपका रिएक्शन इस पर बिट्टा साहब? आपको यह पता होगा कि केसरी पिक्चर तो आपने देखी होगी, और अब आपके रिपोर्टर ने बताया 45 जवान हमारे थे या 40 थे, उनके 250 थे।
क्या कहता हमारा जवान गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं फिर मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं, 1,25,000 में एक लड़ाऊं फिर गुरु गोविंद सिंह नाम। ये वो आज का भारत है, ये भारत का भारत नहीं है, ये 20 का भारत है जो पिछले 5 साल के 6 साल के अंदर हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के अंदर इस राष्ट्र के नाम को ऊंचा करके देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा, देश की सुरक्षा फोर्सेस को मजबूत किया। आपने देखा कि हमारी ना पाकिस्तान से दुश्मनी, ना हमारी चाइना से दुश्मनी, ना हमारी नेपाल से दुश्मनी। जब जब भूकंप आया नेपाल के अंदर भारत खड़ा हुआ, जब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने शपथ ली प्रधानमंत्री की तो नवाज शरीफ को बुलाया, फिर वहां भी गए हर तरीके से और चाइना के राष्ट्रपति को बुला के सम्मानित किया। पर आज हाथ खुल चुके हैं, आज बहुत अच्छा कदम उठाया भारत सरकार ने। हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में आपने बताया कि हमारा समझौता होगा तो किसी लिमिट के ऊपर होगा, आपकी मर्जी से हमारा समझौता नहीं होगा। ये आज का भारत है। और मैं, मेरी एक बात रह गई, सुनिए, आज हिंदुस्तान को तैयारी करनी चाहिए, एनसीसी डिफेंस सिविल डिफेंस अपने नौजवानों को अभी से तैयार करें। अगर हमारे जैसे लोगों को भी आज सरहदों के ऊपर जरूरत पड़े तो ये सब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जो नेता है राजनीति करते हैं अपने चैनलों पे, इनको सबको ट्रेनिंग दरवाइए, बंदूकें पकड़ाइए, चलाइए हमारे साथ। ये नेतागिरी करते हैं चैनलों पे, आपके चैनल पे आज फौज के वो रिटायर्ड ऑफिसर दुआ था गुरमीत सिंह, कई कई आए जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर बात की। लीडरशिप का मतलब उन्होंने क्या समझाया, लीडरशिप का मतलब था लीडर पहले भी थे पर आज का लीडर जो हिम्मत रखता है सर्जिकल स्ट्राइक की, जो हिम्मत रखता है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने की, ये है लीडरशिप जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। बड़ी बात, यानी कि अब से तैयारी करना शुरू करो। बिट्टा साहब की एक बड़ी बात।